गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। हम सब भी ठीक हैं। ये ब्लॉग संडे का है और यहाँ पे सुनिधि कर रही है पूजा। तो आज ना हम लेट से उठे थे तो सारा काम लेट लेट हो रहा था, क्योंकि ये नहीं थे घर पे, ये गए हुए हैं अपने सेमिनार में, बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए, तो ये घर पे नहीं थे। तो संडे था तो मैंने सोचा चलो आज संडे है तो थोड़ा लेट से उठते हैं। तो लेट से ना उठने से सारा काम ही लेट लेट होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया था, 9 बज गया था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फटाफट से मैं बना रही हूँ सेवैयाँ और सत्तू की पूरियाँ। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे सुनिधि भोग प्रसाद लेके आ गई है, जो उसने ठाकुर जी को भोग लगाया है वो, तो यहाँ पे वो मुझे दे रही है। और यहाँ पे आप देखो कि भाई बहन का कितना गहरा प्यार है यहाँ पे। और यहाँ पे फटाफट से मैं नाश्ता लगा ले रही हूँ, क्योंकि भूख लग चुकी है ना बच्चों को, संडे है और उनका तो मन काफ़ी सारा था, बट ना हमारा मन अभी सैड सैड चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को ना पूरा वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे निकाल लिया है सबके लिए, तो आइए आप भी कर लीजिए। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज है संडे और मैं ना आज लगता है कि एक सप्ताह से मेरी वीडियो नहीं जा रही है, ब्लॉग की कोई भी वीडियो नहीं जा रही है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना घर में काफ़ी सारा प्रॉब्लम है इस वजह से, और थोड़ा सा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊं और कुछ भी आप सबों से शेयर करूं। तो आज है संडे और फाइनली मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज से अब कंटिन्यू ही करूंगी वीडियो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी। और आज है संडे, बच्चों का स्कूल आज छुट्टी है, तो मैं जा रही हूं अभी ना थोड़ा सा दुकान, बच्चों के लिए शूज़ ख़रीदना है, ब्लैक वाला, वाइट वाला तो उनका है, बट ब्लैक वाला ना दोनों का छोटा हो गया है, सुनिधि का भी और शुभम का भी, सोनू का तो सिर्फ वाइट ही चलता है, तो दोनों का मैं सूज आज ख़रीदने के लिए जा रही हूँ, तो मैं और फुआ जा रही हूँ साथ। तो और मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वीडियो क्यों नहीं इतने दिनों से डाल पा रही थी, क्या प्रॉब्लम थी मेरे साथ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर देखिए, और कल रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुआ था, बट किसी एंगल से नहीं लगता है कि कल रात में बारिश हुई थी, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है। और चलिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और ये वाला कुर्ता मैंने मैसो से मंगवाया था, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या बदमाशी कर रहा है लड़का, बदमाशी मत करो, चलो तुम अपना होमवर्क करो। मैं वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ ना, फिर भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए मैं अब निकल रही हूँ, क्योंकि टाइम ना 11 बज चुका है, देखिए पक्का 11 बज गया है। और अभी ना मेरी एलवी करने का टाइम था, बट मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आज इधर जा रही हूँ, ये भी काम कर लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चों का स्कूल ओपन हुए 1 वीक हो गया है ना, बट मैं रोज़ सोचती हूँ कि जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, बट मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे तैयार होती थी जाने के लिए, तो शाम के टाइम पे बारिश हो जाता था, फर्स्ट टाइम पे बच्चे रहते नहीं थे, इस टाइम पे बच्चे आ जाते थे तो फिर उनका खाना पीना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज संडे है तो आज ही मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फिर चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पे ना कितना ज़्यादा धूप है, देखिए बहुत तीखी वाली धूप है और गर्मी भी है। तो बेटा चप्पल इधर करो मेरा, जो कपड़ा सूखा है बेटा थोड़ा उसको घुसा लो। और देखिए कपड़े ना मैंने सारे वॉश करके यहीं पे डाल दिए हैं। हेलो
और यहाँ पे ना आप अगर हमारी तरफ के हो तो आप यहाँ पे भैया वाले दुकान पे आके ना शूज सॉक्स मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे ना अच्छे रेंज पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने शूज खरीद लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा बस गुपचुप खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, सुनिधि को भी खाने का मन है तो हम लोग खाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको घर पे मिलती हूँ। और अभी ना मैं आ चुकी हूँ दुकान से, बच्चों का शूज मैंने ले लिया है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे सोनू क्या कर रही है, सोनू बर्तन सारे उठा रही है जो मैंने वॉश करके गए थे ना नाश्ता के, वो सारे बर्तन उठा रही है। बेटा चावल रख दो गैस पर, अभी बनाना है चावल। और मैं ना वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैंने आपको ना कोई वीडियो में बताया होगा कि मेरे जो बड़े जीजा जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, उनको ना बैक में हो रहा है तो वो चल भी नहीं पा रहे हैं और अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से ना तो अभी ना जीजा जी की तबीयत मतलब पहले हम लोगों ने दिखाया उनको रांची से दवा चल रही थी उनकी, तो वो ठीक हो गए थे, वो चल भी पा रहे थे अच्छे से और बैठ भी पा रहे थे, तो फिर वो चले गए घर अपने। तो वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ वो 2 दिन रहे हैं और 2 दिन में ही उनकी तबीयत फिर पहले की जैसी हो गई है और वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं और ना ही बैठ पा रहे हैं। तो ऐसे फैमिली मेम्बर में ना कोई बीमार होता है ना तो डिस्टर्ब सबको ही हो जाता है, माइंड अच्छा नहीं लगता है, मन भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ना मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी आप सबों से। और गांव में उनको हमने रखा है तो वहां भी आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो यही वजह है कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी। और अभी जिया जी की तबीयत वैसी ही है और बस कल तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद फिर इनको फिर हम रांची लेकर ही जाएंगे और दवा डॉक्टर से दिखवाना है, उसके बाद फिर डॉक्टर देखिए क्या बोलते हैं उस हिसाब से फिर किया जाएगा। तो अभी जिया जी की तबीयत बिल्कुल ऐसे ही है तो इस वजह से ना मन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे फैमिली मेम्बर में कोई भी एक बीमार होता है ना तो सारे कोई डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और फिर अदर और भी सारे कई कारण होते हैं ना तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं की फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये बैड न्यूज़ क्योंकि बैड ही है क्योंकि अभी जिया जी की तबीयत अच्छी नहीं है, जब वो अच्छे हो जाएंगे ना पूरी तरह से तभी अच्छा हो पाएगा। और मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों से ये बता देती हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो, बिल्कुल मेरे फैमिली मेम्बर की तरह ही हो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बता देने से माइंड भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। प्रे भी कीजिएगा कि मेरे जिया जी जल्दी से अच्छे हो जाएं क्योंकि है। और चलिए फटाफट से मैं चल रही हूँ किचन में और बनाना है खाना, तो सोनू को मैंने रखा है, बोल दिया है कि चावल के लिए पानी रख दे गैस पर, पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं चावल उसमें डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं। यहाँ पे ना हमारा लंच हो गया है और यहाँ पे मौसम ना फर्स्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा धूप था, गर्मी थी, और यहाँ पे देखिए अब बारिश हो रही है और ये टाइम ज़्यादा नहीं बस 2 बजे का है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी बारिश हुई ना, मौसम बिल्कुल कूल कूल सा हो गया है। और इसके बाद ना मैंने और कोई वीडियो शूट नहीं किया है, तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।